सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूं। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है, मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूं और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर वन पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।